हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं करनाल ब्लॉगर अमृता। और फ्रेंड्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब लोग मुझे जानते ही होंगे। मैं कई दिनों से कोई व्लॉग नहीं बना पा रही थी, कोई वीडियो नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी चली हुई थी। अभी स्कूल्स में जो आजकल रिजल्ट ये सब की वजह से टीचर्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर था, तो मैं भी जैसे स्कूल में टीचर हूँ आप लोगों को पता ही है। तो अब फाइनली कल PTM हुई है, उसके बाद मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। और आज के व्लॉग का जो टाइटल है आप लोगों ने देखा होगा, प्लीज़ यार उसे सीरियसली मत लेना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझे मायके नहीं आने देते या मनमानी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये टाइटल जस्ट मैं कुछ करके देख रही थी, जैसा कि आजकल के यूट्यूबर्स करते हैं, कि आपने भी देखा होगा कि टाइटल ऐसा डाल देते हैं कि हम पूरी वीडियो वॉच करते हैं, बस टाइटल से रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं मिलता है। मुश्किल से लास्ट में एक लाइन हम लोगों को मिलती है, और वो भी कई बार क्या होता है कि वीडियो बनाने वाले से रिलेटेड वो उसमें कुछ भी नहीं होता है, तो उसके ऊपर वो अपना पूरा व्लॉग बना लेते हैं। तो वही मैं भी करके देख रही थी, आप मुझे बताना कि क्या ऐसे इस तरीके से व्लॉग बनाना आप लोगों को पसंद है। मुझे तो खैर कई बार लगता है कि यार ये क्या है, क्योंकि फेक टाइटल लगता है मुझे ऐसा करना, पर लोग कर रहे हैं और उन पर व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं मुझे बताना कि क्या इस तरीके से अगर टाइटल दिया जाए तो आप लोगों को पसंद आते हैं व्लॉग या नहीं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं मायके आ चुकी हूँ, मेरे भाई के घर, ये कुंडली में रहते हैं यहाँ पर, और मेरी 2-3 दिन की छुट्टियाँ थी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं से बनाने वाली हूँ, आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों से मिलवाने वाली हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में। और शाम का टाइम हो चुका है फ्रेंड्स, तो हम लोग चाय पी रहे हैं, आप भी चाय पी लीजिए। और देखिए बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, कितना प्यारा व्यू आया है बाहर का, बहुत अच्छा लगता है यहाँ के ना। वैसे ही फ्लैट्स जो है मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होते, पर यहाँ TDI में जो है एक तो ये है कि ग्रीनरी काफ़ी है यहाँ पे, ये मतलब एरिया काफ़ी खुला खुला है, तो इतना अच्छा लगता है यहाँ आके, ऐसे नहीं लगता कि कंजस्टेड सा है या कुछ। तो आप भी देखिए बाहर का व्यू। अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स, कितनी ग्रीनरी है, लग ही नहीं रहा है कि हम लोग कहीं ऐसी जगह पे हैं, मतलब फ्लैट्स में रह रहे हैं या कुछ। और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ भाई का बालकनी गार्डन। ये देखिए छोटा सा प्यारा सा अच्छा गार्डन बनाया है इसने, मतलब अगर आपके दिल में करने की इच्छा है तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। आप देखिए थोड़ी सी जगह है, कितने प्यारे प्यारे प्लांट लगाए हैं। और अभी काफ़ी कुछ चेंजेस ये करने वाला भी है, क्योंकि वो सोच रहा है आजकल बड़ा है एक कॉर्नर अच्छा सा बनाने का, मतलब जहाँ पे आप किसी भी अपने भगवान की या महात्मा बुद्ध या गणेश जी की मूर्ति लगा के एक अच्छा सा शांति के लिए एक अच्छा सा कॉर्नर बना लेते हैं, तो वो इस कॉर्नर में ऐसा कुछ करने वाला है। और मैं उसकी क्रिएटिविटी आपको दिखाती हूँ, देखना अभी उसने क्या किया है, काफ़ी क्रिएटिव है ये। ये देखिए ये एक चारपाई थी जिसके पावे उसने, पता नीचे से पावे खराब हो रखे थे, तो उसने क्या किया कि नीचे से काट के पावे और उसका एक झूला बना दिया है बच्चों के लिए। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना।
चीज़ से बना रखी हैं। अभी मैं आपको और भी दिखाने वाली हूँ थोड़ा, पर पहले मैं सोच रही थी, एक मिनट, बोनसाई के लिए तैयार हो। अच्छा, जोर से बोलना, ये पीपल का पेड़ लगाया है। अच्छा, इसमें यहाँ पे हमने डिजाइन दिया है, तो ये पीपल का पेड़ है और इसको बोनसाई के लिए तैयार कर रहे हैं, जो प्लांट्स में दिलचस्पी रखते हैं उनको पता होगा। यहाँ पे मैंने इसमें एक नोट दिया है और आगे देखते हैं इसके लिए क्या चेंज होगा। और यहाँ पे हमारा बड़ा छोटा सा टू रूम सेट, बड़ा प्यारा ही घर है जिसको अच्छे से डेकोरेट भी किया है और जो बहुत ही प्यारा है। तो वैसे मैं आपको होम टूर कराने वाली थी, पर आपको बताती हूँ कि एक तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, और दूसरा ये कि भाई का भी अपना चैनल है, उसने अभी शुरू किया है कुछ टाइम पहले VHP क्रिएशन के नाम से, जिसमें ऑलरेडी उसने होम टूर कराया है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ VHP के नाम से, VHP क्रिएशन के नाम से उसका चैनल है, आप देख सकते हैं जाके, और आप वहाँ जाएंगे तो उसे सपोर्ट भी करेंगे ओबियसली, मुझे अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। अगर आप मेरे फ्रेंड्स हैं और आप रूटीन में मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ एक बार VHP क्रिएशन पे ज़रूर जाइएगा होम टूर देखने के लिए। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाने वाली हूँ जो उसने बनाई हैं, अभी अंदर चलते हैं। और ये देखिए कि ये झूमर जो आप देख रहे हैं, या आप कह सकते हैं लाइट ऑफ हैप्पीनेस, ये इसने खुद बनाया है। ये जो मिट्टी के बॉल आते हैं जिनको कसोरे भी बोल देते हैं हम, तो उसमें इसने लाइट्स लगा के और उसमें इसने बनाया है। ये बड़ा ही प्यारा है, आप चाहें तो आप भी बना सकती हैं और देखने में बड़ा ही प्यारा लगता है। अच्छा लग रहा है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये देखिए वॉल क्लॉक जो है, ये भी भाई ने और भाभी ने बनाई है, ये मतलब बेटी को सिखाने के लिए, मतलब क्रिएटिविटी की बात मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर कोई क्रिएटिव है, किसी को शौक है, तो वो मतलब लगे रहते हैं वो लोग कुछ ना कुछ करने में। और मैं आपको दिखाती हूँ इसके अलावा, एक प्यारी सी हट बनवाई है बेटी से, छोटी सी बेटी है उनकी, अभी फर्स्ट क्लास में है। ये देखिए कितनी प्यारी हट है, मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चे ने अपने आप बनाई है मम्मी पापा की हेल्प से, मतलब पेरेंट्स को देख के बच्चों में भी ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और दिखाती हूँ मैं एक प्यारी सी चीज़ आपको, फ़ोटो फ्रेम जो मुझे बहुत ही सुंदर लगता है, ये देखिए कितना प्यारा फ़ोटो फ्रेम है ना, मैं खुद बनाने वाली हूँ ऐसा। तो फ्रेंड्स मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा, और अगर होम टूर करना चाहते हैं तो प्लीज़ VHP क्रिएशन पे ज़रूर जाइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय।